जहां एक तरफ सरकार ने टाटा पावर को लेकर एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है, जिस कारण से यहां पर एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि ये शेयर अगेन हमें 200 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, वहीं आईटी सेक्टर के लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जहां पर आज के दिन आपको आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट 2.5% से क्रैश होते हुए देखने को मिला है। लेकिन अगर इंफोसिस और विप्रो की बात करी जाए तो 5% से भी ज्यादा ये दोनों मल्टीबैगर स्टॉक्स आज के दिन हमें क्रैश होते हुए देखने को मिले हैं। तो बाजार में हो रही लगातार गिरावट के पीछे का क्या बड़ा रीजन है, और साथ ही साथ इस टाइम पर अगर आपने इन तीनों शेयर्स के अंदर खरीदारी कर रखी है तो क्या लेवल्स अब आपको यहां पर ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। आज के दिन ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट तो नेगेटिव था ही, वो तो मैंने आपको मॉर्निंग सेशन में ही अलर्ट कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा होता तो आपको डेफिनेटली अपडेट मिल जाती। लेकिन इसी के साथ एक और नेगेटिव न्यूज़ टाटा पावर के लिए मॉर्निंग सेशन में यानी कि फर्स्ट सेशन में ही 10 बजे निकल कर आ जाती है, और इस न्यूज़ के बाद से तो टाटा पावर के अंदर कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं ओडिशा गवर्नमेंट टैक्स बैक 871 acres ऑफ लैंड इन कटक फ्रॉम टाटा पावर। टाटा पावर को जो थर्मल पावर प्लांट के लिए कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओडिशा गवर्नमेंट से लगभग 871 करोड़ रुपए की जो जमीन मिली थी लीज पर, उसे ओडिशा गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है, जिस कारण से टाटा पावर को काफी बड़ा नुकसान यहां पर झेलना पड़ सकता है। और इसी न्यूज को लेकर आज के दिन शॉर्ट टर्म में आपको टाटा पावर के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंप्लीट न्यूज आप देख सकते हैं द ओडिशा कैबिनेट हेड बाय चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर ओडिशा गवर्नमेंट ने अपने लैंड को वापस एक्वायर कर लिया है, वापस एक्विजिशंस कर लिया है, और लगभग 871.42 acres की जो लैंड टाटा पावर के पास में थी, थर्मल पावर प्लांट वहाँ पर टाटा पावर ऑपरेट कर रही थी कटक के अंदर, उसे वापस ले लिया गया है। तो इसी न्यूज़ के कारण आज के दिन आपको टाटा पावर के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा पावर के अंदर जो अब रिटर्न बन रहे हैं वो यहाँ से और ज़्यादा डाउनवर्ड के देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो अब आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉप लॉस 218 रुपये का लेकर चल सकते हैं और सेकेंड स्टॉप लॉस 200 रुपये का लेकर चल सकते हैं। बात करें मार्केट के सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए SIP के ऊपर फोकस करना चाहिए। शेयर्स बुरा नहीं है, मैं यहाँ पर आपको पोजीशंस को स्क्योर ऑफ करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पर टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर के इतने बुरे हाल क्यों हैं। आईटी और मेटल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन इंफोसिस की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 5% से 5.25% की बड़ी गिरावट इंफोसिस के अंदर आज के दिन हमें देखने को मिली। वही इंफोसिस का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 26% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुका है। और इसी के साथ में अगर विप्रो लिमिटेड को भी देखेंगे तो विप्रो लिमिटेड के अंदर भी आज के दिन हमें लगभग 5.6% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और विप्रो लिमिटेड का शेयर भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 38% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुका है। तो इस गिरावट के पीछे की क्या वजह है, और बाजार में जो लगातार गिरावट हो रही है उसके पीछे का क्या रीज़न है, आइए उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट को समझने के लिए हर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस न्यूज़ को आज मॉर्निंग में ही पब्लिश कर दिया था कि जो बाइडेन जापान के विजिट पर हैं यानी कि जापान के दौरे पर हैं, और ये जो दौरा है ये हमें 5 दिन देखने को मिलने वाला है, और इस दौरे के दौरान यानी कि बाइडेन जो कि जापान गए हुए हैं उस विजिट में हमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। और इसी बीच साउथ कोरिया की तरफ से हमें अपडेट तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ एक और अपडेट निकल कर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर हमें न्यूक्लियर टेस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब चीज़ें ग्लोबल मार्केट पर और ज़्यादा वर्स्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के ऊपर ये न्यूज़ तो इम्पैक्ट डाल ही रही है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है वो है RBI की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आज दिन आई एक रिपोर्ट के अनुसार जो RBI की नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है यानी कि जो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की
जो अगेन 6 जून से लेकर 8 जून के बीच में जो हमें मीटिंग कंडक्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो अगेन यहाँ पर इंक्रीज करने की बात करी गई है। कंप्लीट न्यूज आप देख सकते हैं इकोनॉमिस्ट एट नोमरास होल्डिंग फोरकास्ट द आरबीआई टू रेस रेट्स बाय एज मच एज 50 बीपीएस पॉइंट व्हेन इट मीट्स 6 जून टू 8 जून। तो 6 जून से लेकर 8 जून के बीच में जो हमें यहां पर अगेन मीटिंग कंडक्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है आरबीआई की, उसमें अगेन हमें इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए देखने को मिल सकती है। और उसके पीछे का रीजन है इन्फ्लेशन। जो हमारा WPI इन्फ्लेशन निकल कर आया है वो पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। और इसी के साथ में आज के दिन भी अगेन हमें जो इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के कंपेरिजन में अगेन लो देखने को मिल रही है। पिछले 40 साल के सबसे नीचे स्तर पर हमारा रुपीज़ अभी चला गया है। इस कारण से भी आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। अब आप बोलेंगे कि रुपीज़ के वीक होने से आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट का क्या रीज़न है? तो अगर हमारा इंडियन रुपीज़ वीक होगा, हमारा इंडियन रुपीज़ अगर डॉलर के कंपैरिजन में और ज़्यादा टूटेगा, तो आईटी सेक्टर कंपनियों को जो पेमेंट है वो डॉलर में करना रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर डॉलर महंगा होगा तो आईटी सेक्टर के ऊपर जो एक्सपेंसेस के बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से आज के दिन भी आपको आईटी सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 5% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए मैंने आपको कल लेट नाइट ही अलर्ट कर दिया था कि मार्केट आज के दिन भी आपको गैप डाउन देखने को मिलने वाला है। जहां डोजोन्स के अंदर कल के दिन 3.5% की गिरावट दर्ज करी गई थी, वहीं नैस्डैक के अंदर भी लगभग 4.5% तक की बड़ी गिरावट नोट करी गई थी। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट अभी भी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। और आपके लिए जो विप्रो लिमिटेड के अंदर जो लेवल्स बताए गए थे, जो इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस आपके लिए बताया गया था, आज के दिन उस स्टॉप लॉस को भी यहां पर हिट कर दिया है, जिस कारण से अब यहां पर बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करी जा रही है। तो नेक्स्ट लेवल विप्रो लिमिटेड के अंदर जो आपको लेकर चलना है, जो स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है वो है 436 रुपये का। साथ ही साथ इन्फोसिस की अगर बात करी जाए तो इन्फोसिस के अंदर जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ये गिरावट भी हमें लगभग 1370 रुपये तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आईटी सेक्टर के अंदर भी अभी आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको SIP करना चाहिए और कुछ क्वालिटी स्टॉक्स लाइक TCS, इन्फोसिस जैसे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर आपको मंथली यहाँ पर बाइंग करना चाहिए, जिस कारण से आपका जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।